माय नेम इज़ अर्चना एंड वेलकम टू अर्चनाज कुकिंग। आज मैं आपको जो मिठाई बनाना सिखा रही हूँ वो बहुत इजी है बनाने में, पर आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है। पर मैं जो आपको मेथड बताऊँगी उससे आपको ये मिठाई बनाना बहुत इजी हो जाएगा। तो आज मैं बताती हूँ कि कौन सी मिठाई मैं बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ कराची हलवा, जिसे आप बॉम्बे हलवा भी कह सकते हैं, और बहुत ईजी है ये बनाने में और माइक्रोवेव में बनेगी, इसलिए ये आपको बनाने में आसान रहेगी और जल्दी भी बन जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं कि हम हमारी जो कराची हलवा है वो किस तरीके से बनाते हैं। देखते हैं कि हम हमारे हलवे को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप कोई भी डिश बनाते हैं तो उसके लिए आप ये प्लीज़ मेजरिंग कप्स खरीद लीजिए। अगर मेजरिंग कप्स नहीं खरीदते हैं तो अगर हम कोई भी घर का कप इस्तेमाल करते हैं तो जो उसकी मेजरिंग है वो ख़राब हो जाती है और आपकी मिठाई या फिर कोई भी रेसिपी है वो ठीक से नहीं बन पाएगी। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर खरीदिए, ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाता है और कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, तो इसलिए आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं कि हम हमारी जो मिठाई है कराची हलवा उसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये कॉर्नफ्लोर से बनेगी, तो इसमें मैंने 1/3 कप ऑफ कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें मेजरिंग कप है उसमें आप देख सकते हैं कि 1/3 कप कितना होता है, इसको 1/3 कप ही लिया है मैंने। और ये 1 कप शुगर है, नॉर्मल शुगर है चीनी। और ये मैंने वाटर लिया है, पानी ये 1/3 कप, ये 1 कप है और ये 1/3 कप है, वही मेजरिंग कप से मैंने इसको नापा था। ये घी लिया है, ये प्योर घी है, ये 2 टीस्पून है। और हम इसमें नट्स डालेंगे, ये एक चारू मगज़ है जिसको हम खरबूजे के बीज भी कहते हैं, ये आप चाहें तो डाल सकते हैं। और ये काजू है, पिस्ता है, ये हमें गार्निश के लिए और थोड़ा सा अंदर डालेंगे उसमें। और बादाम है, इलायची पाउडर है, इसको क्रश कर लीजिए। और ये रेड फूड कलर है, आप इसमें येलो कलर भी डाल सकते हैं, आप ग्रीन भी कलर डाल सकते हैं, आपको जो पसंद है कलर आप वो उसको डाल सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें हम सबसे पहले चीनी डालेंगे। कॉर्नफ्लोर जो हमने लिया था, हमने 1 कप चीनी ली थी और 1/3 कप हमने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसमें फूड कलर जो लिया था और इलायची पाउडर मिक्स कर लिया है, इसको हम अच्छे से मिलाएंगे। ये शुरू में आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कलर, पर अब इसमें जब हम पानी डालेंगे तो इसमें आपको कलर दिखाई देने लगेगा। आपको अगर लगता है कि ये आपका कलर कम है तो आप इसमें थोड़ा सा कलर और डाल सकते हैं। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे धीरे धीरे, आप ध्यान रखिएगा इसमें लम्स नहीं आने चाहिए। अभी ये देखने में आपको बिल्कुल पानी पानी लग रहा होगा। अब हमें क्या करना है, हमें इसको माइक्रोवेव में रखना है हाई पावर पर 6 मिनट्स के लिए, पर उसके बीच में 3 मिनट के लिए, हम 3 मिनट जब होंगे तब हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद इसको चलाएंगे, फिर दोबारा 3 मिनट रखेंगे। और देखिए ये हमारा बिल्कुल मिक्स हो गया है, तो अब मैं इसको माइक्रोवेव में 6 मिनट्स के लिए हाई पावर पर रखूंगी और 3 मिनट के लिए इसको बीच में निकालूंगी 3 मिनट बाद। ओके फ्रेंड्स, हमने इसको 6 मिनट के लिए हाई पावर पर रखा था, उसके बाद मैंने इसको 3 मिनट के बाद निकाल लिया है। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, ध्यान रखना है क्योंकि जो कॉर्नफ्लोर होता है वो नीचे बैठ जाता है। तो अब मैंने इसको 3 मिनट के बाद निकाला है और फिर दोबारा मैं इसको 3 मिनट के लिए दोबारा से माइक्रोवेव में। फ्रेंड्स देखिए मैंने इसको 3 मिनट के बाद निकाल लिया है, देखिए अब ये जमना शुरू हो गया है। तो अच्छे से मिक्स कीजिए, हमने इसको 6 मिनट के लिए हाई पावर पर रखा था, उसके बाद 3 मिनट के लिए के बाद मैंने इसको निकाला था, फिर चलाया था, फिर उसके बाद 3 मिनट के लिए दोबारा रखा था। तो कुल मिलाकर मैंने इसको 6 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रखा था। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें चारू मगज डालूँगी, यानी मेलन सीड्स, खरबूजे के बीज और काजू।
थोड़ा सा बचा लिया है मैंने काजू, वो ऊपर गार्निश के लिए इस्तेमाल होगा। अब मैं क्या करना है, हमें इसको फिर से 2 मिनट के लिए इसको हमें माइक्रोवेव में रखना है। मैंने इसको 2 मिनट के बाद दोबारा निकाल लिया है, फिर हम इसको चलाएंगे। अब इसमें थोड़े से बादाम डालेंगे और थोड़े से पिस्ता, और गार्निश के लिए भी हमने थोड़े थोड़े बचा लिए हैं, इसको अच्छे से मिलाना है। अब जो हमने घी रखा हुआ था 2 टीस्पून वो डाल देंगे इसमें। इसको अच्छे से हमें मिलाना है। देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने लगा है। इसमें घी की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब क्या करना है, इसमें घी मिक्स हो गया है, अब हम इसे 3 मिनट के लिए दोबारा से माइक्रोवेव करेंगे। इस बीच में आप क्या कीजिएगा, अपनी किसी भी डिश में आप कोई भी ऑयल या घी लगा लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए, फिर हम इसको उसमें ट्रांसफ़र करेंगे। मैं इसको दोबारा से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव में, देखिए मैंने इसको ओवन माइक्रोवेव में से निकाल दिया है। देखिए बिल्कुल बन गया है, बिल्कुल जेली की तरह ये बन जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कीजिए। अब इसको मैं जो मैंने ग्रीस करके रखी हुई थी ट्रे, उसमें ट्रांसफ़र करूँगी। बहुत ध्यान से करिएगा, ये बहुत गर्म है। बहुत ज़्यादा गर्म है ये, प्लीज़ आप ध्यान से कीजिएगा, अपना हाथ नहीं जलाइएगा। हम निकाल देते हैं, अच्छे से इसको स्प्रेड कर दीजिए इवनली। अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर चाहे तो आप चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर जो हमने नट्स बचाए थे, काजू, बादाम और पिस्ता, ये सब अच्छे से इसके ऊपर गार्निश कर दीजिए। इसको दबा दीजिए इसके ऊपर। अब इसे हमें ठंडा करना है, ये जम जाएगा। इसको कम से कम आधा या पौना घंटा लग जाता है जमने के लिए, तो इसे हम जमाने के लिए रख देते हैं और फिर उसके बाद हम इससे काटेंगे और मैं फिर आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी बनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको ठंडा कर लिया है और मैं इसको काटती हूँ। इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, ये बिल्कुल जेली की तरह है। इसको अब हम निकाल लेंगे, अच्छे से इस पे कट लगाइए। ये देखिए ये निकल गया है। आसानी से निकल जाता है ये। देखो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारा ये कराची हलवा बन गया है, ये बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल जेली की तरह ये लगता है। आप ज़रूर बना के देखिएगा,
ये कराची हलवा ये बहुत इजी है बनाने में, माइक्रोवेव में बनता है इसलिए बहुत इजी बन जाता है। आप इसे ज़रूर बना के देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।